नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां एक लड़के द्वारा लड़की को चाकू मारा गया। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक की हुई मौत, और बताएंगे कैसे विदिशा में सातवें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार तेज हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। थाना बस्कारी जनपद अंबेडकर नगर अंतर्गत थाना मालीपुर क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के द्वारा थाना बस्कारी क्षेत्र की रहने वाली लड़की से वैवाहिक रिश्ते की किसी बात से शुभ होकर लड़के द्वारा लड़की को चाकू से घायल कर दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडे द्वारा जानकारी दी गई है, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 27/5 को मालीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का मोहित, जो कि हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा था, कल हिमाचल प्रदेश से वापस आकर बस्कारी क्षेत्र की रहने वाली लड़की, जिसके साथ उसके वैवाहिक रिश्ते की बात हो रही थी, किसी बात से क्षुब्ध होकर उसने उसको चाकू मार दिया, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। लड़की का इलाज चल रहा है, वह खतरे से बाहर है। रात्रि में मोहित के द्वारा लड़की के पिता के दुकान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। प्रथम दृष्टया शव का परीक्षण करने पर शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है, आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसका वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, यहाँ ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक की मौत हो गई। मृतक के दाएं हाथ पर लिखा है कुलदीप। सूचना के बाद आरपीएफ खुड़जौर का कोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे गार्ड्स ने शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। पोल से टकराकर युवक के ट्रेन से गिरने की आशंका। देर रात हुआ हादसा, ककोड़ थाना क्षेत्र में चोला वैर स्टेशन के बीच हादसा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। सातवें चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों द्वारा ताबड़तोड़ जनसंपर्क के साथ सभाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। राजमहल लोकसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवारों का फैसला सातवें चरण के चुनाव में है। सातवें चरण के चुनाव में राजमहल लोकसभा चुनाव सबसे अहम माना जाता है। लगातार तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में विजय हाजदा मैदान में। जेएमएम के विधायक लोबिन सोरेन जेएमएम से बगावत कर विजय हाजदा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। वहीं भाजपा झामुमो निर्दलीय लोबिन सोरेन जैसे राजनीतिक दल का झंडा घर चौराहों पर लगने शुरू हो गए हैं। प्रचार प्रसार के वहां पे भी लगातार गली मोहल्ला कस्बे गांव शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो IMIM SDPI जैसे कई पार्टियां मैदान में खुद और खुद बाहर आ गए हैं और अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन की परियां हैं, उनको मदद में लगे हुए हैं। वहीं NDA के समर्थक भाजपा से राजमहल लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ताला मरांडी को समर्थन दे रहे हैं, आम जनता को लुभाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण राजमहल लोकसभा चुनाव में आम जनता किसे जिताती है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सिरोंज से है, यहाँ मंगलवार को अतिथि शिक्षक संगठन समिति के जिलाध्यक्ष राकेश कुशवाहा के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सिरोंज को सौंपा गया। यहाँ अतिथि शिक्षकों को विगत महीने मार्च और अप्रैल का वेतन आज तक नहीं मिला, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षकों की वेतन शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान की जाए और आगामी शिक्षा सत्र में 15 जून से अतिथि शिक्षकों की शालाओं में पुनः नियुक्ति की जाए मांग करने वाले अतिथि शिक्षक संघ सिरोंज ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान, नटेरन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जैन, छगन राजपूत, संजीव शर्मा, दीपक रघुवंशी, कल्लू कुशवाहा, प्रियंका मुठेले, सीमा लोधी इत्यादि मौजूद रहे। विदिशा से सीनियर संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।